प्रदेश भर के गन्ना किसानों को, 65 लाख गन्ना किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश सरकार उनके गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कोई भी किसानों के साथ आज अन्याय नहीं कर पाएगा। प्रदेश ने इस दिशा में और भी प्रयास प्रारंभ किए हैं, जैसे इथेनॉल उत्पादन में 12 से 17 के बीच में कुल 42 करोड़ लीटर ही इथेनॉल का उत्पादन हुआ और आज हम अकेले एक वर्ष में 153.71 करोड़ लीटर का इथेनॉल उत्पादन कर रहे हैं। देश के अंदर उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में नंबर एक पर है, इथेनॉल उत्पादन में नंबर एक पर है। और अभी हम लोगों ने छाता की पुरानी चीनी मिल के स्थान पर एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की परमिशन दी है। देवरिया में भी बेतालपुर के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है, जैसे हमें परमिशन मिलेगा एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के निर्माण की कार्रवाई हम लोग वहां भी करने जा रहे हैं। अन्य जगहों पर भी इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं और सरकार अन्नदाता किसानों के हित के लिए इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और हमारी सरकार ने तो 2017 में आते ही सबसे पहला काम ही यही किया था, अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। सपा के कुशासन से त्रस्त वे किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज के तले दब चुके थे, उन सभी को उससे मुक्त करने के लिए उस समय प्रदेश सरकार ने लाखों किसानों के कर्ज माफी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था और सरकार उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।